But there you go, he would do it. Hey, Kamal ka 1v2 and Ace Black. I mean, that was amazing, right? And jis tarike se itni kharab situation ke bawajood wo clutch karke jaate hain. की कैरी को स्पॉट करा, गाड़ी चलाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, बट कैरी जब करके वापस बच्चे बच्चे खासा फायदा हुआ नहीं, पंच करने की कोशिश जरूर करी, बट यहाँ पे M4 और PP बाइजन का उपयोग करते हुए मिस्टर आईजीएल आज का पहला फिनिश निकालते हुए. देखिए हमने इस चीज की बात स्पॉट का एलिमिनेशन अक्षत और सोल का, बट दैट वाज जस्ट मैग्निफिसेंट, दैट वाज इनक्रेडिबल. हमें जिस तरीके से ट्रिगर डिसिप्लिन वहां पे दिखाया, उसके बाद पहले प्लेयर को नॉक करा, उनको बॉल आउट से फिनिश करा, बाकी दो प्लेयर्स को नेट के साथ नॉक करा, कमाल का बैटल था. बट यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास वो भी कोशिश करते हुए जोन के अंदर एक एंट्री बनाने की, इस ब्लैक यहाँ पे बचे हुए मैक्सी यहाँ पे बचे हुए स्ट्राइकर को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है, बट अभी के लिए स्मोक करके आगे जाने की कोशिश जरूर है. मैक्सी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज जरूर खाया, काइनेटिक के KU लुकिंग रियली गुड ऑलरेडी यहाँ पे क्लच करके दिखा सकते हैं, बट एक नेट सीधा उनके सिर पे बाउंस होकर आगे चला जाएगा, बचेंगे बाल, दैट वाज इनक्रेडिबल. बट अभी भी सर्वाइव करते हुए एक और प्लेयर को नॉक करा जाएगा, खत्म भी कर दिया जाता है, नॉक प्लेयर को खत्म करा, दैट वाज गुड. बट क्या वो यहाँ पे एक और क्लच करके दिखा सकते हैं, स्प्रे देने की कोशिश, जैसे स्प्रे देंगे पोजीशन यहाँ पे पता हो चली जाएगी और ऑनिक्स को नॉक करके फिनिश कर दिया जाएगा. KU आखिरी प्लेयर बचे, अपनी टीम से सबसे ज्यादा फिनिशर्स उन्होंने निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा ओपन में आएंगे, स्पॉट करके डाउन किया जाएगा. टीम हैदराबाद हाइड्रास मात्र 3 फिनिशर्स निकाले, लेकिन अपने आप को टॉप 3 में लेकर के आ चुके, और अब एक इंपॉर्टेंट 2v2v2 का बैटल हमें देखने को. बट उनके पास अगर एनिमा की बात करते हैं, उनके पास जोन का एडवांटेज, लुक एट द नंबर ऑफ व्हीकल्स देयर एज वेल, आई कैन सी ऑलमोस्ट यहां पे 6 व्हीकल्स हैं जिनका कवर यहां पे बना हुआ है, एक चारों तरफ से घेर लिया गया, व्हिच इज अ रियली गुड थिंग, राइट. हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स अगर यहां पे नेट करते हैं तो फायदा जरूर होगा. मैक्सी ओपे के पास एक अच्छा नेट जरूर है, एक नेट 2 शिकार कर सकता है, बट अभी के लिए जो नेट है सही जगह पे जा नहीं पाए. एनिमा के प्लेयर्स के पास एक ही मजबूरी है कि दोनों प्लेयर्स बहुत क्लोज हैं, अगर एक अच्छा नेट आएगा तो दोनों को नॉक कर सकता है. अभी के लिए एक नेट आएगा जो रेक्स को नॉक करेगा, एक और नेट डाला जाता है, क्या ये जगह पे जा पाएगा. ईवो की एचपी बहुत ज्यादा कम, स्प्लैश डैमेज भी अगर किसी नेट का पड़ता है तो काफी ज्यादा खतरे में. टीम एनिग्मा एंड हियर यू गो, दैट नेट वुड कम, टीम एनिग्मा वाइप आउट होती नजर आएंगी तीसरे पायदान पे. FSE स्पोर्ट्स वर्सेस टीम हैदराबाद हाइड्रास से फाइनल फाइट हमें देखने को मिलने वाली है. 2v2 का जो सिनेरियो है वो हमें देखने को मिलता है, जहां पर टीम हैदराबाद हाइड्रास अभी स्मोक का कवर बना करके वो बैठे हुए हैं, जोन अभी भी दोनों ही टीम्स को इक्वली फेवर करता हुआ नजर आएगा. जहां पर हैदराबाद हाइड्रास उनके पास एक रिज का कवर हमें देखने को मिलता है, वहीं टीम FS उनके एक प्लेयर पूरी तरीके से जो हार्ड कवर है वो उनके पास मौजूद, लेकिन एक्सप्लिसिट की जो पोजिशनिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतना ज्यादा ओपन में आप नहीं आ सकते, स्पॉट करे जाएंगे, कुछ डैमेज दिए गए लेकिन जो नॉक है वो अभी तक आए नहीं. बट अगेन टीम हैदराबाद हाइड्रास 5 फिनिशेस निकाले हैं, बस देखना ये है कि 12 पोजीशन पॉइंट लेकर के जाते हैं या फिर 15, देखने वाली बात जरूर बनती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको टेबल टॉप पे देखने को मिलती है, टीम टॉप 5 में आपको देखने को मिलती है हैदराबाद हाइड्रास. सो अब ये जो चिकन अगर वो लेके जाते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट उनको मिलेगा, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टॉप 5 में टॉप 3 में सॉलिडिफाई करने की कोशिश करी जाएगी अपनी पोजीशन को. भाई अगर बात की जाए इनके प्लेयर्स की, मैक्सी और एस ब्लैक, एक कप्तान एक सोल्जर, अभी के लिए पोजीशन काफी अच्छी है, लेकिन फोन अभी भी इनके पास टोटली नहीं है, थोड़ा सा और इनको आगे जाना पड़ेगा, और जो रिज का कवर इनके पास अभी देखने को मिलता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो स्मोक्स का जो इस्तेमाल है बहुत क्रूशियल बन जाता है. मैक्सी यही चीज करने की कोशिश जरूर करते हैं, बट नॉक करे जाएंगे. नाउ एस ब्लैक इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, एक 1v2 सिचुएशन यहां पे एस ब्लैक के लिए बन चुका है, क्या ये कप्तान 1v2 कर पाएगा, नेड आएगा शानदार तरीके से, K47 को नॉक कर देता है, एक 1v1 सिचुएशन बन चुका है, एक और नेड उनके हाथ में जरूर है, जंप नेड करने की कोशिश यहां पे करी जरूर गई है, बट जोन के बाहर वो फंस जाएंगे, ऊपर में जाना पड़ेगा शॉट करने की कोशिश, बट देयर यू गो, ही वुड डू इट, एक कमाल का 1v2 एंड एस ब्लैक. I mean, that was amazing, right? And जिस तरीके से इतनी खराब सिचुएशन के बावजूद वो क्लच करके जाते हैं, इट वॉज मैजिकल. हैदराबाद हाइड्रास काफी ज्यादा सेंसिबल गेम प्ले, और खासकर वो एस ब्लैक का जो 1v2 था, दैट वॉज जस्ट इनक्रेडिबल. वही इस बढ़िया गेम प्ले के बाद हैदराबाद हाइड्रास लेकर के जाएंगे विनर विनर चिकन डिनर. 22 अंक उनको इस पर्टिकुलर मैच से मिलने वाले हैं, वो जो टॉप 3 में अब उनका आगमन हमें देखने को मिलेगा, देखना पड़ेगा.